बीमार, उसकी पोजीशन कितनी अजीब होती है। एक बीमार शख्स चाहता है कि कोई उससे मिलने के लिए आए, चाहता है कि कोई उसकी इयादत के लिए आए, चाहता है कि कोई उसको दुआ देने के लिए आए, चाहता है कि कोई उसके इलाज के लिए आए। आप जानते हैं किसी बीमार की इयादत के बारे में पैगंबर आजम ने क्या तालीम अता फरमाई? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स सुबह को किसी मरीज की इयादत के लिए गया, सुबह को किसी बीमार की मिजाज पुरसिश के लिए इयादत के लिए गया, किसी मुसलमान मरीज, सरकार फरमाते हैं शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। 70,000 फरिश्ते। लेकिन एक सवाल मैं पूछता हूं और उसके बाद गुफ्तगू खत्म करता हूं, क्या रिश्तेदार अगर गरीब है तो उसकी, अगर बीमार हो तो उसकी तबीयत पूछने हम जाएंगे? हम तो बीमार में भी देखते हैं कि कौन कितने स्टेटस का है तो हम जाएं। हमने नबी की सुन्नत और फरमान नहीं देखा, हमने माल को देखने की कोशिश की, माल जितना ज्यादा होगा उसकी तबीयत पूछने उतनी मर्तबा जाएंगे। गरीब की तबीयत पूछकर अपने नामे आमाल में सवाब जमा करने की कोशिश नहीं करते। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गरीबों का इतना ख्याल फरमाया, इतना ख्याल फरमाया और गरीबों के साथ रहना इतना पसंद फरमाया कि खुद दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वाशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। ए अल्लाह मुझे मिस्कीनों में जिंदा रख, मिस्कीनों में मौत दे और कयामत के दिन मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र फरमा। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम में इश्क मोहब्बत कहते हैं, भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हमें तो चाहिए ये कि उठते बैठते आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करें। इसलिए आज जो कुछ भी हमें मिला है वो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मिला है, और कल बरोजे कयामत जन्नत भी मिलेगी तो हुजूर के सदके ही में मिलेगी। मैं रिसालत के परवानों हर सनीचर को बाद नमाज ईशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है, तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट सुन्नी दावत इस्लामी .net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।